तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएसआर टेस्ट के बारे में कि ईएसआर टेस्ट जो है कैसे लगाया जाता है। तो पूरा प्रोसेस आपको वीडियो में बताऊंगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट से रिलेटेड वीडियो हैं, कुछ जॉब से रिलेटेड भी वीडियो हैं जो बीच बीच में आते रहते हैं। तो जो मैनुअल ईएसआर हम लगाते हैं वो किस तरीके से लगाया जाता है, कितना सैंपल रिक्वायर होता है उसके लिए, और क्या पूरा प्रोसेस है, कैसे रिजल्ट वगैरह उसका जो है हम मेजर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ईएसआर टेस्ट करने के लिए सबसे पहले जो हमें जो जो इक्विपमेंट चाहिए उसके लिए मैं आपको बता दूं, ये ईएसआर स्टैंड है जिसको पूरा ईएसआर स्टैंड बोलते हैं। ये ईएसआर ट्यूब है जो यहाँ से ओपन है और यहाँ से नीचे से जो है बंद होती है, यानी कि क्लोज होती है। दूसरा, हमें एक सैंपल चाहिए और जो ब्लड है उसको डालने के लिए एक सिरिंज चाहिए। जो हमने ये सिरिंज लिया 10 ml का, इसके लिए आप जो है निडल जो है थोड़ा सा एक सर्जिकल निडल आता है जो लंबा होता है थोड़ा सा, वो यूज़ करना है क्योंकि ये थोड़ा छोटा है अभी हमारे पास, इससे ही डालेंगे तो वो यूज़ आप कर सकते हैं। तो ईएसआर जो है उसको आप जो सैंपल है वो ईडीटी ट्यूब में लेंगे और उसके बाद इसमें जो है 1 घंटे के लिए लगा के छोड़ देंगे। तो अभी हम बात करेंगे कि जैसे ये ईएसआर को कैसे इसमें फिल करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें से हम सबसे पहले जो है सैंपल लेंगे। उसके बाद इस ट्यूब में हमने जो है सैंपल निडल से आराम आराम से डालना है। आपने बड़ी निडल जो है मंगा लेनी है क्योंकि एयर बनेगा तो इससे जो है ये सार ठीक नहीं आएगा। तो इस निडल से हम धीरे धीरे करके डालेंगे। ये भी एक बार एयर निकाल दिए, अभी ये जो है पूरा टल रहा है। ये ज़्यादा इसमें डाल रहा है तो ये जो है 10 तक, जो 10 लिखा हुआ यहाँ तक ये सर, अभी इसमें जो ब्लड सैंपल है वो डल चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको सीधा इस रैक में रख देना है और जो टाइम अभी हमने ये लगाया है उसको नोट करके रखना है। अभी मान लो अभी हम 5 बजे लगा रहे हैं तो इसको 6 बजे हमने नोट करना है। तो अभी जब तक 1 घंटा होता है उसके बाद हम बताएंगे कि इसका रिजल्ट कैसे मेज़र करते हैं। तो अभी ये ईएसआर जो है लग चुका है। बाकी जो आप सिरिंज है इसको वॉश भी कर सकते हैं क्योंकि बार बार आप इसको यूज़ करेंगे तो इसके लिए आपको वॉश करनी पड़ेगी। जो सर्जिकल निडल है उसका यूज़ करें आप क्योंकि वो बड़ी होती है, उससे एयर नहीं बनेगा, ये सारे जो है प्रॉपर इसमें ब्लड फिल होगा। तो अभी 1 घंटे बाद हम इसका जो है रिजल्ट देखेंगे। तो दोस्तों ये देखो हमारा जो है ये सर का रिजल्ट आ चुका है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ऐसे ये सर को लगा के और 1 घंटे के लिए छोड़ देना है और जो हमने टाइम नोट किया था उसके हिसाब से 1 घंटा हो चुका है। तो अब हम इसको जो थोड़ा सा पास ला के देखेंगे कि इसके ये सर जो वैल्यू है वो कितनी है। ये आपको वीडियो में शायद अब क्लियर दिखेगी। तो ये 60 से नीचे आ रहा है, यानी कि 6 से नीचे 61 इसका जो है ईएसआर है, 6 नीचे 1 जो है लाइन, वहाँ तक इसकी जो आरबीसी नीचे डाउन हो गई है। ऊपर से आप देख लीजिए ये 10 से स्टार्ट हुआ है और जो है 61 तक जो है इसकी वैल्यू आ चुकी है। ये ऊपर से फिल है पूरा आरबीसी इसके, जो इसका प्लाज्मा था वो ऊपर आ चुका है और नीचे 61 या 62 एक घंटे में ये जो डाउन हुआ है आरबीसी जो है इसकी वो नीचे आ गई है। तो इसका जो ईएसआर वो हम देंगे, ये इधर वाला मेज़र करना है आपने 60, ये आप मेज़र नहीं करनी, ये जो उल्टी वैल्यू दी हुई है 10 9 ये नहीं, आपको यहाँ से 0 से जो स्टार्ट है तो ये 62 जो है इसका ईएसआर। ये तो ये था पूरा मेथड जो है ईएसआर लगाने का। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।